गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉरी थोड़े सी टेक्निकल इश्यूज था, उस वजह से थोड़ी क्लास लेट हो गई। अपन डिस्कस कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, और हम आज डिस्कस कर रहे हैं मियोसिस के बारे में। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने माइटोसिस क्लियर कर लिया था एंड मियोसिस भी स्टार्ट कर दिया था, और मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट है वो स्टार्ट कर दी थी। बच्चों, जो मियोसिस जो सेल डिवीजन है ये स्पेशल है, और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, यानी कि जो गोनेट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि टेस्टीज हैं, ओवरीज हैं, या जो अदर ऑर्गेनिज्म उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर मियोसिस पाया जाता है। और एट द एंड इनसे जो सेल्स बनती है उनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। क्लियर हो गई बात आपके? तो जो मियोसिस है बच्चों, ये एक रिडक्शनल डिविजन है और ये दो स्टेप्स में होता है, ठीक है ना। एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होता है मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो जो मियोसिस फर्स्ट है वो एक्चुअली रिडक्शनल है, तो उससे जो सेल्स बनती है उनमें एक सेल के डिवीजन से दो सेल्स बनती है, उनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स रह जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। और जो मियोसिस सेकंड है वो एक्चुअल में माइटोटिक होता है, क्योंकि इससे सेल का नंबर इंक्रीज होता है। तो जो दो नई सेल्स बनी है उनका मल्टीप्लाइकेशन होता है, उससे टोटल लास्ट में फोर सेल्स बन जाती है, यानी कि मियोसिस जो प्रोसेस है उसमें टोटल फोर सेल्स बनती हैं, जिनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड जो मियोसिस है उसे हम माइटोटिक डिविजन, माइटोटिक मियोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है माइटोसिस से, ठीक है ना, वो अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं मियोसिस के स्टेप्स के बारे में। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने स्केच ड्रॉ करके रेडी रखा था, जिससे आपको समझाते समय ज्यादा टाइम ना लगे। बच्चों, ये स्केच है कंप्लीट मियोसिस प्रोसेस का। एट फर्स्ट हम मियोसिस फर्स्ट लेंगे। मैं फिर से स्टार्ट से स्टार्ट करता हूं, इसको शुरू से बताता हूं आपको, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने प्रोसेस फर्स्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा शुरू से स्टार्ट से ले लेते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों कि सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है, और इनके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस है, और ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए क्या होता है कि पहली स्टेज जो है वो प्रोफेज फर्स्ट है। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स नजर आने लगते हैं। जो सेंट्रियोल है ये डुप्लीकेट हो जाता है और दो अलग अलग डिस्टेंस पर जाने लगता है, इनके बीच में स्पिंडल फाइबर भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर है बेटा। तो प्रोफेज फर्स्ट की इस स्टेज को हम कहते हैं लैक्टोटीन। लैक्टोटीन के अंदर ये सिचुएशन देखने को मिलती है, धीरे धीरे जो सेंट्रियोल्स हैं और एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो और कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से क्रोमोजोम नजर आने लगते हैं। ये जो सेकेंड फेज है प्रोफेज फर्स्ट की, इसे हम जाइगोटीन कहते हैं, और इनमें बेटा दो जो क्रोमोजोम्स हैं ये पैरेलल आ जाते हैं। ये एक क्रोमोजोम है, इनके ये दो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, और ये क्रोमोजोम है, इनके ये दो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए आप, ये दोनों क्रोमोजोम पास पास आना स्टार्ट हो गए हैं, पैरेलल हैं ये दोनों क्रोमोजोम। तो इन पैरेलल जो क्रोमोजोम्स का पैरेलल आना, एक दूसरे के अपोजिट आना, तो ये क्या कहलाता है? सिनेप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्सिस या सिनडेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सिनेप्सिस या सिनडेसिस कहलाता है। अच्छा बच्चों, एक ही क्रोमोसोम्स के, आप ध्यान रखना, हमेशा हमारी सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो हमारे अंदर टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, या 46 क्रोमोसोम कह सकते हैं इन्हें। तो जो दो क्रोमोसोम का एक पेयर है वो दोनों सिमिलर होते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। सिमिलर क्रोमोसोम्स को, एक पेयर के क्रोमोसोम्स को वी आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर होगी बात आपके? अच्छा, एक क्रोमोजोम के दोनों क्रोमेटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। और दो क्रोमोजोम के क्रोमेटिड्स को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। दो होमोलोगस क्रोमोजोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं।
ठीक है बेटा। इसके अलावा ये एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड हैं, इन्हें हम कहते हैं डायड, DYAD, डायड, और टोटल टू क्रोमोसोम के फोर क्रोमेटिड्स हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स का पैरेलल आना, दिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। तो ये किसमें होता है बेटा, ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, ये जायगोटिन स्टेज में देखने को मिलता है। उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज है पैकाइटिन। पैकाइटिन के अंदर दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, और ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो यहां से बेटा देखिए, ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस करने पर क्या होगा, इनके जो क्रोमोसोमल सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, और क्रोमोसोमल सेगमेंट्स के एक्सचेंज होने से जो है जीन के नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो बच्चों, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स के एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में पाया जाता है, पैकाइटिन के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पैकाइटिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इन दो सेंट्रियोल्स के बीच में और जो है स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अच्छा, जहां से क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं उस जगह को हम कहते हैं कियाज़मेटा। तो ये जो साइट है जहां से एक्सचेंज हो रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कियाज़मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कियाज़मेटा। अब जब क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज हो जाता है, तो उसके बाद में डिप्लोटीन स्टेज, जो नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन के अंदर, ये जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे जाने लगते हैं। तो क्रोमोसोम्स का अलग होना, दूर जाना, ये क्या कहलाता है, डिसजंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिसजंक्शन कहलाता है। तो जब डिप्लोटीन में डिसजंक्शन हो रहा होता है, तो उस समय फिर भी जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं यहां से अटैच्ड रहते हैं, तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, कियाज़मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम कियाज़मेटा कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके। नेक्स्ट लेते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर जो क्रोमोसोमल जो कियाज़मेटा पार्ट है, यहां से जो है पूरी तरीके से अलग होने लगता है, और टर्मिनल एंड्स पर जाके क्रोमोसोम पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। तो डाइकाइनेसिस स्टेज के अंदर क्रोमोसोम पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। ये डेफिनेशंस बच्चों अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सिनेप्सिस किस में होता है, जायगोटिन में होता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पाया जाता है, पैकाइटिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। डिसजंक्शन कौन सी स्टेज में होता है, डिप्लोटीन में होता है, ठीक है। और डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर बच्चों दो क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल है आपको, और यहाँ पर देखिए क्रोमोसोमल सेगमेंट जो एक्सचेंज हो चुके हैं वो नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ देखिए डिफरेंस है, यहाँ भी देखिए डिफरेंस है, और जो सेंट्रियोल्स है वो पूरी तरीके से अपोजिट पोल पर चले गए हैं। इनके बीच में आपको ये स्पिंडल फाइबर्स नजर आ रहे हैं, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे जो डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर क्या हो रही है, धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है वेसिकल्स के फॉर्म में। तो ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी डिसअपीयरेंस आपको नजर आ रहा है। आप स्केच देखिए, फिर आगे समझते हैं अपन। क्लियर है बेटा। अब देखिए, ये तो हो गई प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर फाइव स्टेजेस हैं, लैक्टोटीन, जायगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट लेते हैं मेटाफेज फर्स्ट। बच्चों मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्लियरली दो अपोजिट पोल्स के वहां सेंट्रियल चले जाते हैं। इनसे बच्चों ये एस्ट्रल रेज है, ये क्या है, एस्ट्रल रेज है, और जो क्रोमोसोम्स हैं ये एकदम मिड प्लेट पर, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर मिड प्लेट पर ये क्रोमोसोम्स आ गए। दो क्रोमोसोम्स देखिए यहां पर है और ये यहां पर है। क्लियर होगी बात आपके, ठीक है ना। अब मेटाफेज फर्स्ट, ये मेटाफेज फर्स्ट के अंदर एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं क्रोमोसोम, और ये मिड प्लेट पर यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट पर नजर आते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं ये स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट रहते हैं अपने काइनेटोकोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, काइनेटोकोर्स के द्वारा स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट रहते हैं। अब जो जो अपोजिट पोल्स है वहां से एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, स्पिंडल का फोर्स लगता है, जिससे क्या है कि क्रोमोसोम मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये और ये क्रोमोसोम इस तरफ मूव होते हैं, और ये क्रोमोसोम इस तरफ मूव होते हैं। क्लियर हो गई बात आपके। तो यहां पर बच्चों माइटोसिस और मियोसिस में यहां फर्क है। माइटोसिस के अंदर तो क्या होता है, मेटाफेज पर एकदम मिड प्लेट पर होते हैं, एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है, तो एक क्रोमेटिड दूसरी तरफ, एक क्रोमेटिड दूसरी तरफ।
अब मेटाफेज के माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि क्रोमेटिड फिर क्रोमोसोम के रूप में रोल प्ले करता है। क्लियर होगी बात? यहां पर क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है, एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, और ये दोनों क्रोमोसोम इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये किसमें पाया जाता है? एनाफेज फर्स्ट के अंदर। किसके अंदर होता है बेटा? ये एनाफेज फर्स्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है? पूरी तरीके से ये क्रोमोसोम इस पोल पर आ जाते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम इस पोल पर आ जाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, और यहां आने के बाद में इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है ना। तो दो क्रोमोसोम इधर आ गए, दो क्रोमोसोम इधर आ गए, यानी कि अब पेरेंटल जो पहले की सेल्स थी उससे अब आधे क्रोमोसोम रह गए दोनों न्यूक्लियस के अंदर। यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और स्पिंडल फाइबर भी है जो डिस्टरप्ट हो गए, ठीक है ना, डिसअपियर होना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो ये टीलोफेज फर्स्ट के अंदर लास्ट में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। क्लियर हो गई बात? जिनके अंदर आधे आधे क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, कंप्लीट क्रोमोसोम है यहां पर। इसके बाद में मियोसिस के अंदर जो है इंटरफेज नहीं पाई जाती, ना के बराबर होती है। और जो टीलोफेज है और प्रोफेज फर्स्ट भी, आप ये मान के जो प्रोफेज सेकंड है मियोसिस की, वो भी ऐसा मानो कि ना के बराबर होती है। बस चेंज क्या होता है कि एक तो सेंट्रियोल नया बनता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेज नए बन जाते हैं, बाकी सारी चीज वही रहती है, ठीक है ना। तो टीलोफेज फर्स्ट के बाद में स्टार्ट हो जाती है, अच्छा टीलोफेज फर्स्ट के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, इससे दो सेल बन जाती है, ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रियोल्स हैं, और ये दो सेल होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड के अंदर बच्चों वापस से सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है, इनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये प्रोफेज सेकंड है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस हो जाता है, और इस तरीके से क्रोमोसोम नजर आने लगते हैं। क्लियर होगी बेटा? इस तरीके से आपको क्रोमोसोम नजर आने लगेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मेटाफेज सेकंड के अंदर। मेटाफेज सेकंड के अंदर क्लियरली दो अपोजिट पोल्स के वहां सेंट्रियोल चले जाते हैं, इनसे एस्ट्रल रेज भी निकलती है, और फिर स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं इनके बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट के कारण से, और पूरी तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिड प्लेट पर इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं, अपने काइनेटोकोर्स के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर से। तो ये स्केच देखिए बच्चों, ये एक सेल का है और ये दूसरी सेल का, ठीक है ना। तो ये हो गई मेटाफेज सेकंड स्टेज। ये क्या हो गई बेटा? मेटाफेज सेकंड स्टेज है ये। फिर इसके बाद में क्या होता है कि अब अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिससे अब क्रोमोसोम जो है स्प्लिट हो जाता है। तो एक क्रोमेटिड इस तरफ मूव करता है, एक क्रोमेटिड इस तरफ मूव करता है, यहां भी एक क्रोमेटिड इस तरफ, एक क्रोमेटिड इस तरफ मूव करता है। तो ये देखिए, ये क्रोमेटिड्स मूव कर रहे हैं एनाफेज सेकंड के अंदर, ये क्रोमेटिड्स मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं, किसके अंदर? एनाफेज सेकंड के अंदर। क्लियर हो गई बात? ये दो क्रोमेटिड्स पूरी तरीके से इस पोल पर आ जाते हैं, इनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, ये दो क्रोमेटिड्स भी पूरी तरीके से इस पोल पर आ गए और इनके बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है। क्लियर हो गई बात बेटा? यहां भी देखिए आप, यहां भी ये दोनों क्रोमेटिड इस पोल पर आ गए और ये इस पोल पर आ गए टीलोफेज सेकंड के अंदर। तो एनाफेज के अंदर मूवमेंट शो होता है एनाफेज सेकंड के अंदर, और टीलोफेज के अंदर पूरी तरीके से दो अलग अलग पोल पर क्रोमेटिड चले जाते हैं। अब यहां पर क्रोमेटिड क्रोमोसोम के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, और इनके बाहर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है टीलोफेज सेकंड के अंदर, ठीक है बेटा। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो जो साइटोप्लाज्म है उनका भी डिवीजन होता है। हाँ बेटा, अगर बाय द वे किसी ने लेट ज्वाइन किया तो आज की क्लास का जो वीडियो अपलोड हो उसको आप जरूर देख लेना एक बार, ठीक है बेटा। आज थोड़ी सी नेटवर्क या नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, ठीक है। तो अब ये दो न्यूक्लियस बन गए, यहां भी दो न्यूक्लियस बन गए, अब इनके बीच में साइटोप्लाज्म का डिविजन होने पर टोटल यहां पर बच्चों फोर सेल्स बन गई, दो ये और दो ये। इनके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल्स हैं, और ये भी यहां भी ये दो सेल्स हैं। तो टोटल कितनी? फोर डॉटर सेल्स बन गई। तो ये है बच्चों, तो मियोसिस फर्स्ट के में, सॉरी मियोसिस के कंप्लीट होने पर एट द एंड टोटल फोर डॉटर सेल्स बन जाती है, ठीक है बेटा। तो ये इस प्रकार का डिवीजन टेस्टिस की जो सेल्स होती हैं, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है, और एट द एंड
स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और ओव्यूम का फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा जो दूसरे प्लांट्स हैं या फंगाई है, एल्गी है, उनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, तो ये एक था। अब यहाँ पर बच्चों अपन को जो मियोसिस सेकंड है वो माइटोसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना, कि जो माइटोसिस है उसके अंदर क्या होता है कि जो मेटाफेज होती है तो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम स्प्लिट होकर क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो क्रोमेटिड फिर क्रोमोसोम के रूप में रोल प्ले करता है। यहां पर जो है मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, फिर मेटाफेज सेकंड के अंदर क्रोमेटिड बनते हैं जो कि अलग अलग पोल्स पर जाके डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर होगी बात आपके। एक और चीज बच्चों के एक केमिकल है जिसका नाम है कोल्चिसिन। तो कोल्चिसिन जो है बच्चों ये पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है। कोल्चिसिन क्या करता है? पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो जस्ट डबल होना या जो जीनोम है वो जस्ट डबल हो जाना या कम हो जाना, ठीक है ना। तो पॉलीप्लॉइडी क्या है? ज्यादा हो जाना। जैसे गेहूं की 6N तक की वेराइटीज डेवलप की गई, तो प्लांट्स के अंदर ऐसा करवाया जाता है, इंड्यूस किया जाता है पॉलीप्लॉइडी को, जिससे क्या है कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाए और जिससे क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट्स की वो बढ़ जाए। तो ये कोल्चिसिन क्या करता है बच्चों? ये कोल्चिसिन एक टॉक्सिन के रूप में रोल प्ले करता है। ये कोल्चिसिन क्या करता है कि डिवीजन के लिए जरूरी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं और जो एस्ट्रल रेज हैं उनके बनने को रोक देता है, ठीक है ना, उनके फॉर्मेशन को, माइक्रोट्यूबुल्स के अरेंजमेंट को स्टॉप कर देता है, जिससे क्या होता है कि डीएनए का मल्टीप्लाइकेशन तो चलता रहता है लेकिन उनका डिवीजन, क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है। तो एक ही सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। तो ये कौन, इस केमिकल का नाम क्या है? कोल्चिसिन। ये पीएमटी में आ सकता है, नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा केमिकल ऐसा है जो प्लांट की सेल्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी को कॉज करता है। क्लियर होगी बात आपके। इसके बाद में आ जाते हैं बच्चों, ये तो हो गया मियोसिस का पार्ट। अब हम लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है मियोसिस की। मियोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों? बच्चों मियोसिस जरूरी है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है या जो ए सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन दोनों में ही मियोसिस जरूरी है, ठीक है ना। तो क्योंकि जो जो हैप्लोइड एल्गी है या हैप्लोइड है उनके अंदर भी क्या होता है कि सेल डिवीजन पाया जाता है और स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो डिप्लॉइड सेल होती है वो डिवीजन करके हैप्लोइड सेल बनाती है जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। तो एक तो ये, दूसरी तो गैमेट के फॉर्मेशन में इनका इंपॉर्टेंस है। सेकेंड लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। भी क्या होता है मियोसिस के कारण से क्या होता है कि जो गैमेट्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं जब क्रॉस होता है मेल और फीमेल में, तो स्पर्म और ओव्यूम के फ्यूजन पर क्या होता है कि अगली जनरेशन में वापस से क्रोमोसोम का नंबर जो है मेंटेन रहता है। अगर मियोसिस नहीं हो तो हर जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल होते चले जाएंगे, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ये भी है। इसके बाद में लेते हैं चेंजेस, कुछ म्यूट चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना, वेरिएशन आते हैं जिससे इवोल्यूशन होता है बच्चों। एक तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो पैकाइटिन स्टेज है उसमें क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, तो उस क्रॉसिंग ओवर के कारण से जीन के नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और ये नए कॉम्बिनेशंस नए वेरिएशंस लाते हैं जीवों के अंदर और जिससे क्या होता है इवोल्यूशन होता है, नए गुणों का डेवलपमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ जब स्पर्म और ओव्यूम का फ्यूजन होता है तो नए क्रोमोसोम्स का जो है मैचअप होता है, जिससे क्या होता है कि नए वेरिएशन देखने को मिलता है नई जनरेशन के अंदर। इसके अलावा म्यूटेशन, बच्चों म्यूटेशन क्या है कि कई बार क्या होता है कि मियोसिस के दौरान कुछ ऐसे चेंजेस रह जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर जो कि म्यूटेशन कहलाते हैं और वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, तो म्यूटेशन को कॉज करता है। और लगभग सभी प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनके अंदर मियोसिस देखने को मिलता है। तो ये एक बेसिक रिलेशनशिप को शो करता है। आज मेरे अंदर किसी और ह्यूमन के अंदर या किसी और एनिमल के अंदर अगर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मियोसिस हो रहा है और गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एक बेसिक रिलेशनशिप को बताता है कि लिविंग बींग शायद एक ही पॉइंट से ओरिजिन हुआ है। तो ये बेटा मियोसिस का इंपॉर्टेंस है। क्लियर होगी बात आपके।
अब बात करते हैं बच्चों बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके अंदर जो है कैसे डिवीजन होता है, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस है बच्चों? जो माइटोसिस है वो जो सोमेटिक पार्ट है बॉडी का और प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है उनमें पाया जाता है, जबकि जो मियोसिस है ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस, ओवरीज या प्लांट के कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके अंदर देखने को मिलता है। माइटोसिस एक्चुअल में इक्वेशनल सेल डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम बना रहता है नई सेल्स के अंदर भी, जबकि मियोसिस के मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं न्यू सेल्स के अंदर। इसके अलावा बच्चों माइटोसिस के द्वारा प्लांट की दूसरे ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, क्या होती है, ग्रोथ होती है, जबकि मियोसिस जो है उसके द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। माइटोसिस के द्वारा कोई भी इंजर्ड पार्ट है बॉडी का, कोई भी इंजरी है, कोई भी वुंड है वो हील हो जाता है, वो फिल हो जाता है और न्यू स्किन की लेयर बन जाती है, ठीक है ना। जबकि मियोसिस रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है उसमें रुकना रोल प्ले करता है। माइटोसिस के द्वारा प्लांट के भी जो इंजर्ड पार्ट है, प्लांट के भी जो इंजर्ड पार्ट है वो वापस से रीग्रो हो जाते हैं, रीफॉर्म हो जाते हैं। क्लियर होगी बात आपके? ठीक है बेटा। तो माइटोसिस के द्वारा क्या होता है कि जो जो डैमेज्ड पार्ट है वो वापस से रीग्रो हो जाते हैं, रीफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। माइटोसिस केवल एक ही स्टेज में, एक ही फेज में पाया जाता है और उनमें फोर फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जबकि मियोसिस के अंदर दो स्टेप्स हैं, दो स्टेजेस हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, और दोनों में ही फोर फोर फेजेस हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के अंदर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड है। क्लियर होगी बात आपके? तो ये डिफरेंसेस हैं बच्चों। जो माइटोसिस है वो माइटोसिस जो है इंपॉर्टेंट है बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए, जबकि मियोसिस अपना जो है रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, माइटोसिस के अंदर जो कॉपीज बनती है, जो सेल्स बनती है वो एग्जैक्ट होती है, वो क्लोन होती है, कॉपी होती है अपने पेरेंटल सेल की, ठीक है ना। लेकिन जो मियोसिस होता है उनके अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं। मियोसिस के अंदर पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे जीन के नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उन कॉम्बिनेशंस के कारण से वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, वेरिएशंस कॉज होते हैं और वेरिएशन के कारण से नए गुणों का डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर और उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो गई बात आपके? तो मियोसिस के कारण से इवोल्यूशन होता है, वेरिएशंस आते हैं और नई स्पीसीज का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है, जबकि माइटोसिस के अंदर ऐसा नहीं है। तो बच्चों दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है बेटा।